अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हाथरस के हाहाकार से बीजेपी परेशान, योगी के खिलाफ ही योगी के विधायक, विधायक ने लिखा पीएम मोदी को खत, यूपी के राज्यपाल से भी की कार्रवाई की मांग, योगी के खिलाफ विधायक के आने से हलचल तेज। उत्तर प्रदेश के हाथरस मामले को लेकर हर रोज कुछ न कुछ नया देखने को मिल रहा है। कभी प्रशासनिक अधिकारियों की शर्मनाक करतूत के वीडियो वायरल होते हैं तो कभी पुलिस की दबंगई देखने को मिलती है और इस सब के लिए राज्य की योगी सरकार को दोषी ठहराया जा रहा है। योगी सरकार और योगी की पुलिस के खिलाफ अब योगी के ही विधायक लामबंद हो रहे हैं और इससे योगी सरकार की परेशानी बढ़ती दिख रही है। विधायक ने जहां शर्मनाक हरकतें कर रहे योगी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और पीएम मोदी को भी मामले पर खत लिखकर जल्द उचित कदम उठाने की मांग की है। योगी के विधायक का खत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और योगी आदित्यनाथ को जवाब देते नहीं बन रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की लोनी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाथरस मामले में एक तरफ योगी सरकार चौतरफा हमले झेल रही है, वहीं अब बीजेपी विधायक ने भी मोर्चा खोलते हुए परेशानियां बढ़ा दी हैं। बीजेपी विधायक ने अपने पत्र में हाथरस में हुई घटना को लेकर यूपी के डीजीपी समेत हाथरस के डीएम और एसएसपी पर 302 की धारा में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये पत्र न लिखकर सीधे राज्यपाल आनंदीबेन को लिखा है। वहीं उन्होंने इस पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी भेजी है। पत्र में विधायक ने लिखा है कि देश की आजादी के बाद ये पहली घटना है जिसमें पुलिस प्रशासन ने शीर्ष अधिकारियों के इशारे पर एक कथित दुष्कर्म और भीभत्स तरीके से की गई हत्या मामले में बिना परिवार को भरोसे में लिए उनका मौलिक अधिकार छीनते हुए अर्थी को कंधा देने और मुखाग्नि तक नहीं देने दी। विधायक ने कहा कि कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा भाव की मिसाल पेश कर जनता के हृदय में जो स्थान बनाया गया था उसे लखनऊ शासन में बैठे शीर्ष अधिकारियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के सिंडिकेट ने गहरी साजिश कर नुकसान पहुंचाया, उनकी छवि धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया है। विधायक ने कहा कि इस सिंडिकेट के द्वारा बीजेपी के दलित विरोधी छवि गढ़ने का प्रयास भी इस मामले की तह में है। बलरामपुर में घटित घटना में भी अधिकारियों की संवेदनहीनता और गैर जिम्मेदाराना भूमिका भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। विधायक ने लिखा है कि इस सिंडिकेट के विषय में उन्होंने सीएम योगी को सबूतों के साथ पत्र लिखकर अवगत करवाया था, लेकिन बजाय उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने के उन्हें पदोन्नति दी गई, जिससे उनका मनोबल बढ़ता गया और हाथरस का मामला अब सामने है। विधायक ने पत्र में मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और हाथरस मामले में राजनीतिक दलों के नेताओं से साठ गांठ कर प्रदेश सरकार की सनातन विरोधी छवि गढ़ने की कुत्सित प्रयास करने वाले यूपी पुलिस के डीजीपी, हाथरस के डीएम और एसएसपी समेत मामले को देख रहे अन्य अधिकारियों पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज कर फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलाई जाए। विधायक के इस खत ने सनसनी फैला दी है और विपक्षी दलों ने मामले पर निशाना साधा है और विपक्षी दलों का कहना है कि योगी को कुर्सी जाने का डर साफ सता रहा है। इसी बौखलाहट में वो अधिकारियों के सहारे तानाशाही दिखा रहे हैं और इस तानाशाही के खिलाफ विपक्ष तो विपक्ष, खुद बीजेपी के विधायक सरकार के खिलाफ हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।